गन को 43.6 डिग्रीज के एंगल पे रखेंगे तो सबसे ज्यादा ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर कर पाएगा, ये इस चीज का मतलब है। और यह कहानी कुछ ऐसी हो जाती है, होते 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 एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, ये देखिए ये इससे बिल्कुल पास हो गया, ये आंसर एक और आएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे थीटा की दो वैल्यूज निकल के आएंगी। सभी बच्चों का स्वागत है मोशन इन 2D के एक नए वीडियो में। आज के सेशन में हम लोग बनाने वाले हैं कुछ 7 से 8 न्यूमेरिकल्स एंगुलर प्रोजेक्शन पर बेस्ड, और सारे न्यूमेरिकल्स को समझाने के लिए मैंने कुछ छोटे छोटे एनिमेशंस बनाए हैं जिससे कि आपका फिजिक्स के प्रति इंटरेस्ट बहुत बढ़ने वाला है। तो बिल्कुल देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा और साथ में बनाइएगा जरूर। इसके जो पहले के दो लेक्चर्स थे उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को बड़े डेप्थ में डिस्कस किया था, और प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको वीडियो मिल जाएगा लेक्चर 10th में। लेक्चर 11th में मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पर बेस्ड लगभग 4 न्यूमेरिकल्स बनाए थे, जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। इन सारे वीडियोस को एक्सेस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक लगा दी है इस चैप्टर की, और फिजिक्स पर जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाए हैं उसकी एक सेपरेट लिस्ट, मतलब क्लास 11 की फिजिक्स की वीडियोस आपको नीचे मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो कहानी चालू करते हैं। ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द पाथ ऑफ अ स्टोन और अ प्रोजेक्टाइल और अ बॉल वुड लुक लाइक, राइट, व्हेन इट इज थ्रोन एट सम एंगल। इसको एंगल से फेंकते हैं इसीलिए इसका नाम है एंगुलर प्रोजेक्शन, खास केस है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो यहां पर इस वेलोसिटी कंपोनेंट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। आप कह सकते हो सर इसका एक हॉरिजॉन्टल रहेगा और एक वर्टिकल रहेगा, बहुत सही। ओके, अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कहीं पर बिंदु अंकित करना, मान लीजिए मैं यहां पर बिंदु अंकित करता हूं, मैं कहता हूं ये पॉइंट एस है, और मैं आपसे पूछता हूं यार अगर ये ओरिजिन है तो मुझे बताएं कि इस पॉइंट के निर्देशांक या फिर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो वो कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं मैं एस का एक्स कॉमा वाई। तो एक्स और कॉमा वाई आपको अगर निकालना है तो आपको इन दोनों फॉर्मूलेस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो यहां पर टाइम टी आएगा। अब आप सोच सकते हो कि सर टाइम टी, अच्छा ये क्या चीज है। तो मैं टाइम के लिए भी आपको स्टॉप वॉच वाली कहानी बता देता हूं। अगर आप ओरिजिन पे हैं तो आप ऐसा माने बच्चों कि आपका जो स्टॉप वॉच है वो शो कर रहा है 0000, ये है आपके स्टॉप वॉच का रीडिंग। अब आपने स्टॉप वॉच चालू कर दिया, बॉल आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एस पर जैसे ही वो पहुंचा तो आपका स्टॉप वॉच रीड करेगा 0000 छोटा टी। ओके, ये हाफ टाइम है हमारा। ओके, ये फिर आर पहुंचा, फिर वो फाइनली जमीन को हिट करेगा ए पॉइंट पर। अगर कोई पूछता है कि ए पॉइंट पर भाई टाइम कितना है तो आप बोलो भाई 0000 कैपिटल टी है, और यहां पे जो कैपिटल टी है ना ये आपका फ्लाइट टाइम है, कितने देर आप हवा में रहते हैं वो हो गया। ठीक है, उसको कैलकुलेट कम करते हैं हम इस फॉर्मूले से, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, ये बातें तो क्लियर है, आपको पार्टिकल का पोजीशन समझ में आ गया। आप क्या कर सकते हैं, टी का वैल्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में यहां पर और यहां पर, तो आपके पास एक बढ़िया सी इक्वेशन बनेगी जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ऐसा क्यों कहते हैं, उससे फायदा यह है आप x का वैल्यू यहां पे पुट अप कर दें, प्लग इन कर दें, तो आपको करेस्पॉन्डिंग वैल्यू y की मिल जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर x जो है समय का गुलाम है, यहां पर y जो है वो भी समय का गुलाम है, और दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। लेकिन अगर आपको x और y को कनेक्ट करना है, एक धागे में पिरोना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने जैसे बताया t बराबर x अपॉन u cos थीटा को यहां पे पुट कर दो, तो ये नया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन जाएगा, x और y में बढ़िया एक रिलेशनशिप आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मैं बता चुका हूं, रेंज, ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है ना बच्चों वो होता है ये, आपने जहां से प्रोजेक्ट किया वहां से लेके वो जमीन को कहां पे हिट किया ये हो जाएगा उसका रेंज। रेंज के लिए दिस इज द फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट बताते हैं आपको, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट, ये है मैक्सिमम हाइट, समझ गए, ये है फॉर्मूला। किसी भी पल आप, या तो आप ऐसा कह लो कि आप कहीं पर भी अगर पॉइंट करते हैं, जैसे मैंने यहां पे पॉइंट लगाया तो मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, रिजल्टेंट या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एस भी निकाल सकता हूं, और मैं इसके कंपोनेंट्स भी निकाल सकता हूं। मैं बताता हूं आपको, यहां पर आप मान लो कुछ ऐसा केस है, ये हो गया वेलोसिटी एट एस, तो आप इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो कुछ ऐसा ये। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बच्चों, एक रहेगा हॉरिजॉन्टल एक रहेगा वर्टिकल, ये है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एट एस, ये है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट एस। इसके जरिए आप चाहो, इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, तो ट्रायंगल लॉ लगा करके है ना आप वेलोसिटी डायग्राम बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक्स वी, एक्स
एट एस, तो चलिए अभी फिलहाल जनरलाइज कर देते हैं, हमें सिर्फ एक्स लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी एट वाई, और फाइनली यहां पर ये जो है ये वेलोसिटी आ जाएगा इंस्टेंटेनियस। अब यहां पे ये जो एंगल बनाता है वो होता है बीटा, वी एक्स वी वाई और बीटा को कनेक्ट करने वाला है ये रिलेशन, ये तो आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं, टैन फंक्शन लगेगा परपेंडिकुलर बाय बेस। वी एक्स इंडिविजुअली निकालना है और वी वाई इंडिविजुअली निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूलेज आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। अगेन आपको ऐसा सोचना है, कभी भी 2D मोशन की बात होती है ना, आप ऐसा सोचो 2D मोशन को हमको इमेजिन करना है दो इंडिविजुअल 1D मोशन में, ये ऐसा होता है। एक 1D मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक 1D मोशन होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। तो जो हॉरिजॉन्टल में होता है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन, जो वर्टिकल में होता है वो होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। यहां पे वेलोसिटी में आपको चेंजेस देखने मिलेंगे, पहले घटेगा, फर्स्ट हाफ में आप देख सकते हो ये साइज जो है कम हो रही है, और सेकेंड हाफ में वेलोसिटी बढ़ेगा, यहां देखो साइज बढ़ रही है, ये है फर्क, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन रहेगा, इसमें एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, इसमें कुछ रहेगा। ओके चालू करें, पहला प्रॉब्लम ये रहा आपके स्क्रीन पर, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, प्रोजेक्टेड एंगुलरली हैज अ रेंज 50 मीटर्स, तो रेंज कितना है सर 50 मीटर्स, ए लो लिख लो। दूसरा मैक्सिमम हाइट कितना जा रहा है उसका सर 10 मीटर्स जा रहा है, तो एच बराबर लिख लो आप 10 बिंदास। अब इसको समझाने के लिए मैं एक चित्र बना लेता हूं, कुछ ऐसा आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट को किस एंगल पर उछालें। तो मान लो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, और मान लीजिए वेलोसिटी कितनी है यू, ये ऑब्जेक्ट का ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, स्पीड बढ़ा लेना भाई वीडियो का, ओके मैं बड़े फुर्सत से बताने वाला हूं। अब इसको सॉल्व कैसे करें, अगेन रेंज के लिए आपके पास फॉर्मूला बना हुआ है, क्या है, तो सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है, और रेंज का वैल्यू हमें पता है वो कितना है 50 है, आप इसको मान लो इक्वेशन 1। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो ये वैल्यू हमको दे रखा है कितना, ये 10 है, यहां से आप टैली कर लो ये 10 है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमें वैसे तो कैलकुलेट करना है थीटा, अब क्या अप्रोच रहेगा हमारा देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको इन दोनों को डिवाइड कर लेना चाहिए, 1/2 कर लेना चाहिए। अगर मैं 1/2 करता हूं तो सिर्फ आप LHS में ध्यान दें बच्चों, LHS लिखते हैं हम लोग यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय में आ जाएगा, अब ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2g, ये डिवाइड में आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए समझदारी इसमें है कि टू साइन 2 थीटा को आप चेंज कर लें, आपको पता है साइन 2 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो सर साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो उस चेंज को मैं यहां पे इंप्लीमेंट कर देता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, समझदारी इसी में है, ओके। अब देखें आप यहां पर RHS में 2/1/2 कर रहे हैं ना, तो 50/10, तो यहां पे लिख दो यार आप 50/10, तो ये हो गया, यहां पर 2 और 2 तो 4 हो जाएगा, लेकिन यू स्क्वायर जी और जी, अब यहां पर सॉरी ये है जी, वो तो 2 था भाई 2 2 4 हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ 4 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में आ गया 5, तो ये गया ठीक है। अब आप यहां से देखो बच्चों 4 कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि यार उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, या फिर एक काम करो आप 4 को वहीं रहने दो, 5 को इस तरफ लेके जाओ, साइन थीटा को उस तरफ लेके जाओ न्यूमिरेटर में, कॉस थीटा को इस तरफ लेके जाओ डिनोमिनेटर में, साइन बाय कॉस आपको बहुत पता है कि भाई वो टैन थीटा होता है, टैन थीटा आंसर आ रहा है आपका कितना 4/5। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है तो आप टैन इनवर्स इसको बनाने वाले हो 4/5। अब मैं आपको कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ, टैन इनवर्स 4/5, ये आंसर लगभग आएगा 36.6 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब ये है अगर आप इस पत्थर को 38.6 डिग्री पे उछालते हैं, इस एंगल को अगर आप 38.6 डिग्री पे रखते हैं, तो यहाँ पर आपका रेंज आएगा 50 का और हाइट आएगा 10 का, यही मतलब था इस क्वेश्चन का, ठीक।
ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके स्क्रीन पे, पढ़ते हैं इसको। प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 times द मैक्सिमम हाइट। तो चलो बड़े सम्मान से बनाते हैं, हमें प्रूव करना है कुछ, हमें यह बताना है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब आर मैक्स इज इक्वल टू 4 times। 4 times क्या बोल रहा है? 4 times ऐसा लिखते हैं मैक्सिमम हाइट, तो मैं लिख देता हूं यहां पे एच मैक्स बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट एन इंक्लिनेशन सो एज टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखिए यहां पे जाहिर सी बात है कुछ एंगल बनेगा, वो एंगल क्या होगा आपको ये सोचना है। आप बच्चों एक बात का याद रखें, फॉर मैक्सिमम रेंज अगर आपको ज्यादा से ज्यादा दूर फेंकना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आप उसको कितने एंगल पे फेंकोगे? आप फेंकोगे थीटा बराबर 45 डिग्रीज पे। इससे कम करते हैं तो दिक्कत है, ज्यादा करते हैं तो दिक्कत है। अगर एग्जैक्टली 45 डिग्रीज के एंगल पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उछालते हैं कुछ वेलोसिटी के साथ, तो वो अपनी अधिकतम दूरी को तय करेगा, मतलब उसका रेंज जो है वो मैक्सिमम रहेगा। उस मैक्सिमम रेंज के लिए ये रिलेशनशिप हमको वर्कआउट करके आना है। क्या अप्रोच लेंगे इसमें सोचें, ठीक है चलिए देखिए। ओके तो 45 डिग्री लेना है आपको, वैसे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप, चलो मैं यहां पे करता हूं उसको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा बराबर है 45, 45 दूनी हो गया 90, ये आ गया 90/g। तो ये आंसर आ गया आपका यू स्क्वायर अपॉन जी। कहने का मतलब ये है हमारे पास जो रेंज का वैल्यू आ गया मैक्सिमम रेंज राइट, वो कितना आ गया यू स्क्वायर बाय जी। बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली आप मैक्सिमम हाइट की बात करो, मैक्सिमम हाइट क्या लोगे आप? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बच्चों अगर आप यहां पे देखो तो मैं इसको लिख सकता हूं यू स्क्वायर साइन, अब मैं मेरे को कितना रखना है, ये 45 रखना है और उसको स्क्वायर करना है, एक प्रकार से साइन स्क्वायर 45 है वो 2g। तो आप देखो यू स्क्वायर बाय 2g को मैं अलग से लिखता हूं, साइन 45 कितना होता है? तो 1/√2 होता है सर। स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 1/2 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आया? यू स्क्वायर अपॉन 4g आया। यहां पे मैं कैलकुलेट करने वाला हूं एच मैक्स, ठीक है। एच मैक्स बराबर आ रहा है यू स्क्वायर बाय जी और मैं लिख देता हूं 1/4। आप अगर ध्यान से देखो यू स्क्वायर अपॉन जी जो है वो असल में क्या है? आपका मैक्सिमम रेंज है। तो यहां पे आप आर मैक्स लिख सकते हो। तो आपका एच मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा बराबर आर मैक्स अपॉन 4। तो यहां पे ये लीजिए भाई, सिद्ध हो गया आर मैक्स बराबर कितना आ गया? आर मैक्स बराबर आ गया 4 times ऑफ एच मैक्स, हो गया सॉल्व, समझ गए। थर्ड क्वेश्चन, ओके दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रूव दैट अ मशीन गन, अ गिवन मशीन गन विल शूट 3 times एज हाई व्हेन एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ, तो इसको पहले मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, व्हेन एलिवेटेड 60 डिग्री के एंगल पे जब लगाएंगे तो वह 3 गुना होगा, ठीक, मतलब उसका मैक्सिमम हाइट 3 गुना होगा। किसके बनस्पत? जब आप उसको 30 के एंगल पे फेंकते हैं। तो यार इसके लिए तो चित्र बनाना पड़ेगा। 2 परिस्थितियां दी हुई है, एक परिस्थिति दी है जब हम लोग उसको 60 के एंगल पे फेंकते हैं, ठीक है, और दूसरी परिस्थिति दी है जब हम लोग उसको 30 के एंगल पे रखते हैं, मतलब यहां से जो बुलेट निकलेगा वो 30 के एंगल पे निकलेगा हॉरिजॉन्टल से, और यहां पे जो निकलेगा 60 के एंगल पे निकलेगा, राइट। दोनों में वेलोसिटी सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ देखें एक और बात का ख्याल रखें, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए थीटा एंगल पे उछालते हैं और साथ में 90 एंगल पर भी उछालते हैं, तो दोनों ही केसेस में कुछ कॉमन रहता है। क्या कॉमन रहेगा? रेंज कॉमन रहेगा, इस बात का ख्याल रखें। मान लीजिए मैं यहां पे एक ऐसा करके प्रोजेक्टाइल बनाता हूं, आपने थीटा एंगल पे उछाला, कितना थीटा एंगल पे, ये ऐसा करके, और फिर आपने 90-θ एंगल पे उछाला उसको कुछ ऐसा, अगर सेम वेलोसिटी है, ठीक है, ये 90-θ है, ऐसी परिस्थिति में जो रेंज रहेगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। तो ऐसे में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। आप कह सकते हो सर अगर 20 पे फेंकता हूं जो उसका जो रेंज रहेगा 70 वाले का भी रेंज उतना ही रहेगा, 30 पे फेंकता हूं तो 60 वाले का भी रेंज उतना ही रहेगा, 40 पे फेंकता हूं तो 50 वाले का भी रेंज उतना ही रहेगा, ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ओके समझ गए मेरे ख्याल में आप लोग। ऑलराइट, इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो फोटो में यहां पे मैंने जो चित्र बनाया है ये रेंज जो है ना मैंने सेम रखा है, दोनों के लिए रेंज सेम है। ओके इसको हम लोग कहते हैं परिस्थिति 1 और ये है परिस्थिति क्रमांक 2।
ऑल राइट, ये है यू, ये है यू, यू तो सेम है भाई, ओके बस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम चेंज कर रहे हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको मैं व्यक्त करता हूं एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए। हमें पूछा है कि अगर 60 पे हम लोग उसको प्रोजेक्ट करें और 30 पे प्रोजेक्ट करें, तो हम ये देखते हैं कि 60 में जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो मान लो बच्चों ये है H1, और जब 30 पे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये है H2। तो हम ये, हमको ये प्रूफ करना है कि H1 बराबर 3 गुना होगा H2 के, मतलब जब आप 60 में प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके द्वारा बनने वाला मैक्सिमम हाइट विल बी 3 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट जब आप एंगल रखते हैं 30 डिग्री का। ठीक है, फिर से ये कितने डिग्री पे है, तो सर ये 60 डिग्री पे है। ये H2 कितने डिग्री पे है, सर ये 30 डिग्री पर है। ओके, अब मुद्दे पे आते हैं, अब इसको कैसे किया जाए। अगेन इक्वेशंस बनाएंगे हम लोग, ओके हमें तो मैक्सिमम हाइट से मतलब है। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट H1 जो मैं लिखूंगा उसका फॉर्मूला है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ये तो आप समझ गए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 60 हो जाएगा केस 1 के लिए अपॉन 2g। सॉल्व करते हैं, यू स्क्वेयर बाय 2g को अलग से रखते हैं, साइन स्क्वेयर 60, साइन 60 कितना होता है सर, √3/2 होता है, उसका स्क्वायर कर दो तो सर √3 बन जाएगा और नीचे का जो 2 है वो बन जाएगा 4। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 3/8 टाइम्स ऑफ यू स्क्वेयर अपॉन जी। ये पहली चीज। अब आप H2 पे ध्यान दो, H2 कितना आएगा। ठीक है, इसको यार और आसानी से भी कर सकते थे क्या, फालतू मैंने इतना टेंशन ले लिया। चलो आप कर ही देते हैं, सीधा डिवाइड कर देते ना दोनों इक्वेशंस को, उससे भी हो जाता। H2 बराबर कितना आएगा चलो देखते हैं। H2 है, अगेन फॉर्मूला तो वही है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। आप सीधा वैल्यू पुट करो, यू स्क्वेयर बाय 2g को आप रखो अलग, साइन स्क्वेयर थीटा 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 सर 1/2 होता है, उसका स्क्वायर कर दो तो यहां आ जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा बच्चों यू स्क्वेयर बाय जी मल्टीप्लाइड बाय 1/8। ये भी समझ गए आप, तो ये H2 की वैल्यू मिल गई। तो थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, H1 का वैल्यू मिल गया हमको इतना, ठीक है, और H2 का वैल्यू हमको मिल गया ये, ये H2 की वैल्यूज हैं। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, H1 और H2 को, अभी बताते हैं क्या करना है आपको। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे, H1 लिखता हूं मैं और नीचे H2 लिखते हैं। H1 का LHS क्या है, 3/8 यू स्क्वायर बाय जी, इतना 3/8 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर बाय जी, मल्टीप्लाई कर दो, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 8/1 हो जाएगा ये देखो, और ये हो जाएगा जी अपॉन यू स्क्वायर। तो ये गया जी जी से, यू स्क्वायर गया यू से, 8 और 8 से गया, अल्टीमेटली आपके पास बचा 3। आप बोल सकते हो कि सर H1 बराबर आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ H2। ये हो गया सवाल, आसान था। अगेन दिमाग में ऐसे चित्र बनने चाहिए, अगर बनेंगे तो बड़े आसानी से सवाल बन जाएंगे आपसे। ओके ओके, एग्जाम्पल 4 की बारी। दो स्टोन्स के बारे में बात हो रही है यहां पर, एक को थीटा के एंगल से उछाला गया है और दूसरे को 90-θ के एंगल से उछाला गया है। बस दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों की वेलोसिटी जो है वो 39.2 मीटर पर सेकेंड है। यहां पे अलग से लिख देते हैं, दोनों केसेस के लिए यह है 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों, ये स्टोन 1 का ट्रेजेक्ट्री है, ये स्टोन 2 का ट्रेजेक्ट्री है। आगे पढ़ते हैं, सेकेंड बॉल रीचेस 50 मीटर हायर, ऊंचा ना कि लॉन्गर, हायर देन दी फर्स्ट बॉल। तो फर्स्ट बॉल तो ये है, और हायर देन दी फर्स्ट बॉल दूसरे बॉल का केस है। तो अगर फर्स्ट बॉल एच जाता है, मान लो एच वन जाता है और इसको मैं कहता हूं एच टू, ऐसा समझो। अगर एच वन मान लो एच के बराबर है तो दूसरा बॉल कितना जाएगा भाई, इससे 50 ज्यादा जाएगा, ऐसा आप कह सकते हो। अब हमें इनके जरिए इक्वेशंस बनाने हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इंडिविजुअली दोनों के मैक्सिमम हाइट्स को हमें वर्कआउट करना है। ठीक है, देखिए आपका जो फॉर्मूला यहां पे लगेगा वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो बॉल वन के लिए आप सीधा लिख सकते हो सर एच बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। बहुत बढ़िया, इसको आप मान लीजिए पहला इक्वेशन। बॉल टू की बात करते हैं, बॉल टू में देखो, मैं चाहूं तो एच टू बराबर लिख सकता हूं, मैं सीधा एच प्लस 50 लिख रहा हूं उसको। एच प्लस 50 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर
थीटा होता है बेटा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो है 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है पता है ना, कॉस थीटा। तो वैसे ही साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेसिकली। आप यहाँ पे कह सकते हो कि सर ये जो एच प्लस 50 है ये बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के। तो बच्चों ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके एच की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो बेहतर होगा आप इन दोनों को ऐड कर दें, माइनस कर देंगे तो एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से एक और फायदा भी है, यहाँ कुछ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होता है ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 एंड लेट सी व्हाट दिस एडिशन गिव्स अस। देखें LHS में मैं आपको सबसे पहले रंग के जरिए बताता हूँ। LHS में देखें एक तो ये H है, H में H प्लस 50 आप ऐड कर दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तो हो गया, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2H प्लस 50, ठीक है सर। अब देखें बच्चों आप कॉमन क्या ले सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूं। RHS में देखें यू स्क्वायर बाई 2G, यू स्क्वायर बाई 2G ये कॉमन लेना है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं यू स्क्वायर बाई 2G को कॉमन लेते हैं, अब आपके पास बचता क्या है आप ये देखें, इसमें बचता है साइन स्क्वायर थीटा और इसमें बचता है कॉस स्क्वायर थीटा। भाई आपको पता है यूनिवर्सल है ये, कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है एक, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको पुट द वैल्यू गेट द आंसर का केस है ये। अब आप देखें बच्चों 2h प्लस 50 इसको यहीं पर रहने दें इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब 39.2 का स्क्वायर करना है आपको, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो मैं फिर से लिखता हूं बड़े अच्छे से 2h प्लस 50 बराबर, RHS को जरा सॉल्व करते हैं, ये है 39.2 का स्क्वायर और डिवाइडेड में है 2 इंटू 9.81 बोला है 8 बोला है 8 बोला है तो 8 9.8 ही लिखते हैं ना फिर, ठीक है। ये 78.4 आ रहा है, कितना 78.4। तो बच्चों उसमें से आपको 50 घटा देना है अब और 2 से डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 71/5, ठीक है, कितना 71/5 मतलब 14.2। तो ये H का वैल्यू हमारे पास आ गया 14.2 मीटर, मेरे समझ में आया बात। तो ये थीटा के लिए कितना होगा 14.2 और ये मतलब आपके पास किसका वैल्यू आ गया, आपके पास H1 का वैल्यू आ गया। और देखें आपको निकालना था H प्लस 50, इसमें आप 50 जोड़ दीजिए, 50 जोड़ देंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, देखो 14 में 50 जोड़ दो 64 हो जाएगा, 64.2 मीटर्स। ये हो गया दूसरे वाले केस का मतलब 90 माइनस थीटा वाले केस का, बात समझ में आई। अब ये जो अगला क्वेश्चन है दैट इज एग्जाम्पल 5, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, अब बताते हैं क्यों। देखिए यहां पे है एक शूटर जिसने एम करके रखा है, किसको एम करके रखा है, एक सॉफ्ट ड्रिंक कैन, ओके, और बंदूक तान के रखा है उसने सॉफ्ट ड्रिंक कैन में, वो देख रहा है। एट द इंस्टेंट द बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द गन, जैसे ही बुलेट ने गन को छोड़ा बिल्कुल उसी वक्त वो कैन ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि विल द बुलेट हिट द कैन, क्या बुलेट कैन को हिट करेगा। आपको आपको मैं कंडीशन दिखा देता हूं, ये है आप पहले से बंदूक तान के रखे हैं यहां पे और ये जो है ना ये जॉज है, उन जॉज में मैंने पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ कुछ बातें आपको क्लियर कर देते हैं, चलो पहले मैं एनिमेशन दिखाता हूं आपको। जैसे ही यहां से बुलेट निकला बिल्कुल उसी वक्त यहां पे ये जो जॉज है ये ओपन हो जाते हैं और यह कहानी कुछ ऐसी हो जाती है, हम क्या देखते हैं कि बुलेट जो है इसको हिट कर गया, ऐसा हम देखते हैं। अगर आप वास्तविकता में एक्सपेरिमेंट करेंगे ऐसा अपने रूम में, ठीक है गन वन मत यूज करना, ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंक के देखना आप और यहां से बिल्कुल उसी वल यहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करके देखना, दोनों टकरा जाएंगे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द वेलोसिटी इज, ठीक है वेलोसिटी जो मर्जी हो। तो बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, आप सोचो कि यार ये तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए तो, ठीक है। देखिए हाँ यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर का साइन देखिए, ठीक। अब एक और बार मैं करता हूँ एक्सपेरिमेंट, इस बार मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा बड़ा वेलोसिटी वेक्टर लेता हूँ, मतलब ये है मैं वेलोसिटी की तीव्रता या फिर मैग्नीट्यूड को मैं बढ़ा रहा हूं। अब मैं क्या पाता हूं कि कुछ ऐसी होती है कहानी। अगर आप देखोगे यहां पे ये दोनों इस लेवल पर टच हुए थे, अब मैंने क्योंकि वेलोसिटी बढ़ा दिया है अब दोनों इस लेवल पर टच होते हैं, तो भाई लेवल में तो डिफरेंस आ गया, ठीक है थोड़ा ज्यादा ऊपर टकराया इस बार, आप ऐसा कह सकते हो इतने हाइट से ऊपर टकराया। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है,
इससे ये समझ में आ रहा है, आप कितना भी वेलोसिटी से फायर करो, अगर आप जिस समय यहाँ से वेलोसिटी से बुलेट निकल रहा है यहाँ से, अगर उसी समय आप यहाँ पे रखे हुए कैन को ड्रॉप करेंगे, तो दोनों का टकराना, दोनों का मिलन होना तो निश्चित है। इसको मैं समझा सकता हूँ, देखिए जरा इस एक्सप्लेनेशन को, और ये क्वेश्चन एक एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है ना कि सोल्यूशन, ठीक है? तो ज़रा देखते हैं, और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, ज़रा इस कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने मार्क कर दिया है ए बी सी ओ से। ओके, तो यहाँ पे है कैन, सॉफ्ट ड्रिंक कैन। तो एक काम करते हैं, चलो सबसे पहले बुलेट के एनालिसिस करते हैं ना, तो चलो आप निकाल लो ब्लू पेन, बुलेट एनालिसिस लिख लेते हैं इसको, बुलेट एनालिसिस। बहुत बढ़िया, देखें बच्चों आप, अब आपने एम तो करके रखा है इस डायरेक्शन में, मान लो ये गन में लेजर, वो लेजर वाला होता है ना स्कोप उसमें, ठीक है? उससे क्या होता है कि आप लेजर तो पॉइंट कर दिए, आप जाना तो उसको सीधा चाहिए लेकिन वो जाएगा नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो अपना पाथ को थोड़ा सा कर्वी बनाएगा, पैराबोलिक बनाएगा, यही होता है। ओके, समझते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं इसके कंपोनेंट से, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल में होगा u cos थीटा, अगर ये u है तो, और वर्टिकल में होगा u sin थीटा। बच्चों आप सबसे पहले ना OB पे ध्यान दें, OB, और ये जो पाथ है ना, पाथ कौन सा है, ये पाथ OA है, O से लेके A, ये ट्रेजेक्ट्री है, ऐसा आप कह सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, इस पैराबोलिक पाथ को, इस 2D मोशन को दो इंडिविजुअल 1D मोशन में ब्रेक कर सकते हैं, तो OB एक 1D मोशन का हिस्सा है ऐसा आप मान लो, जिसमें कि जो वेलोसिटी है वो है u cos थीटा, और कितना समय लगेगा यहाँ पे, भाई आप बोल सकते हो t टाइम। ऐसा भी समझ सकते हो कि सर यहाँ पे जब बुलेट ने लीव किया तब हमारे स्टॉपवॉच का टाइमिंग था 0, और जब बुलेट टकराया यहाँ पे तब सर स्टॉपवॉच का टाइमिंग था 0:00 छोटा t। ऐसा भी कह सकते हो कि सर यहाँ पे जो सॉफ्ट ड्रिंक का कैन है इसके लिए भी मैंने स्टॉपवॉच का यूज किया था, तो यहाँ पे जब मैंने देखा था तो 0:00 था, ठीक है? और जैसे ही यहां से छूटा स्टॉपवॉच इधर का भी ऑन किया और इधर का भी ऑन किया, फिर ये नीचे आया, तो इसके लिए भी मेरे को सर सेम रीडिंग मिला 0:00 t। तो एक बात तो पक्की है, जितना समय बुलेट को यहां से इस ट्रैक को फॉलो करते हुए यहां पर आने में लगता है उतने ही टाइम में ये कैन गिर जाता है नीचे, ओके, और यहां पर ए पर आ जाता है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, हमें इससे क्या, देखें OB, u cos थीटा, u cos थीटा तो है, और टाइम कितना लग रहा है, एक मिनट ना, ये u cos थीटा वेलोसिटी है उसकी, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, OB एक प्रकार का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि सर OB बराबर हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का हिस्सा है, हॉरिजॉन्टल में कॉन्स्टेंट रहता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना है, आप बोलोगे सर u cos थीटा है, कितना समय लगा यहां तक के आने में, आप कहोगे t, तो एक चीज तो ये हो गई, आप यहां से इक्वेशन वन इसको मार्क कर दो। दूसरा देखो ए बी की बात करते हैं, ए बी की जब मैं बात करूंगा वर्टिकल में बात करूंगा, तो वर्टिकल में ये वर्टिकल वेलोसिटी पिक्चर में आएगा, और हर पल इसका मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव, तो जो ऊपर वो पॉजिटिव, जो नीचे वो नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव सेंस में लगेगा, और उस वेलोसिटी को वो कम करता जाएगा। अच्छा, इसको समझने के लिए ए बी बराबर कितना है ये समझने के लिए एक छोटा सा मैं यहां पे काइनेमेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं। हम जानते हैं एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, जी सर ये तो हम जानते हैं। अब ये एस वाला फंडा मैं लगाऊंगा वर्टिकल के लिए, ठीक है, मतलब ए से बी के लिए, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी भी वर्टिकल, एक्सेलरेशन भी वर्टिकल। देखें बच्चों ये यू साइन थीटा है, और इसी u sin थीटा को मैंने क्या नाम दिया है, यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन। अब इसको मैं ले रहा हूं पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये ऊपर है, तो मैंने ऊपर को पॉजिटिव लिया, अब जो नीचे होगा वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, यही हो गया साइन कन्वेंशन हमारा। a से b, ठीक है, डिस्टेंस a से b, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये हो गया बच्चों यू साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाइड हो गया टी से, प्लस आपको हाफ लिख देना है
एक्सेलरेशन यहाँ पे प्राकृतिक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, नीचे लगेगा मतलब माइनस है, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस जी, और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर बिंदास ऐसा लिख दो आप। आप चाहो तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन से टी का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। अगर मैं कहता हूं कि बच्चों ये ए पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एक्स कॉमा वाई, तो आप बोल सकते हो कि सर ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा सर वाई, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो देखो ये ओबी बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, ओबी बराबर मैं लिख सकता हूं एक्स, तो इसको मैं कर सकता हूं, देखें यहां पर टी बराबर नहीं लिखते, एक स्टेप में और लिख देता हूं, एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, यहां से आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। इसको उठा करके आप यहां पे रख दो, अगर आप रखोगे तो क्या होगा जरा देखते हैं, यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो इतना तो समझ गए यार हम, बस हो गया, साइन बाय कॉस टैन होता है, यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा एक्स टैन थीटा आ जाएगा। तो आप देखो बच्चों ये हो गया एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी फिलहाल समझो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, बेसिकली हमने ये हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट कर लिया था यू कॉस थीटा टी, और ये वर्टिकल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये पहला एक्सप्रेशन आया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये आ गया, ओके। तो ये वाई है ऐसा आप कह सकते हो, ए बी है वाई है, ओके, जो मर्जी आप चाहो लिख लो, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूं कि बुलेट को जाना तो सीधा था लेकिन वो ड्रॉप हुआ है, इतना ड्रॉप हुआ है, पहुंच जाना था जापान पहुंच गए चीन वाली बात है, इतना वो ड्रॉप हुआ है, ये ड्रॉप कितना है जरा मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो मैं लिखता हूं सी ए, सी ए बराबर मैं लिख सकता हूं सी बी माइनस ए बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तो हमने अभी अभी ताजा ताजा ए बी कैलकुलेट किया ही है ना, जिसको मैंने वाई लिखा है बिंदास। तो सी ए अगर कैलकुलेट करना है तो आपके पास सी बी कितना है, आप देखो यहां पे अगर आप देखो ये एंगल है थीटा, ये है एक्स, तो मैं चाहूं तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री बॉस लगा सकता हूं, इसको दूसरे रंग से करते हैं, लाल रंग से करते हैं, यहीं पे लिखता हूं मैं लिखता हूं सीधा टैन थीटा, इस थीटा के लिए लगा रहा हूं, परपेंडिकुलर मतलब सामने वाला, दैट इज सी बी अपॉन बेस मतलब एक्स। तो यहां से बच्चों हमको पता चल रहा है कि सी बी का जो वैल्यू है वो है एक्स टैन थीटा के बराबर। सी बी की वैल्यू अगर हम पुट करें तो सी बी की वैल्यू तो है एक्स टैन थीटा, तो यहां पे रखता हूं मैं एक्स टैन थीटा, माइनस करना है आप ए बी, ए बी इतना बड़ा है मेरे पास, ये देखिए ये यहाँ पे ये जो वाई लिखा है ना यही असल में क्या है, ये ए बी है, एक्स टैन थीटा भी है, तो पहले तो उसको लिखता हूं मैं, ठीक है एक्स टैन थीटा, और ये माइनस है देखो इस, चलो पहले मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, माइनस क्या आएगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। भाई ये बड़ा आसान है, माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्टीमेटली आपके पास सी ए का वैल्यू कितना आ रहा है, सी ए का वैल्यू आ रहा है आपके पास प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको आप क्या कमेंट कर सकते हो पता है, आप बोल सकते हो, हम तो बुलेट का एनालिसिस कर रहे थे, आप बोल सकते हो कि सर द बुलेट ड्रॉप्स ड्रॉप्स बाय, कितनी गिरावट आती है उसके हाइट में, ड्रॉप्स बाय हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर इन कितने समय में, इन टाइम टी, ठीक। बुलेट का तो काम तमाम हो गया। अब बात करते हैं कैन की, सॉफ्ट ड्रिंक कैन की, सॉफ्ट ड्रिंक कैन, चलो सॉफ्ट ड्रिंक कैन का टाइमर यहां पे चालू हुआ और यहां पे खत्म हुआ, जाहिर सी बात है बिल्कुल वर्टिकल मोशन है, नीचे आ रहा है हर पल उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, आप चाहो तो लगा लो, सर एक काम करते हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं, कहां से कहां तक के लिए, तो आप बोलोगे सर सी से बी तक के लिए लगा लेते हैं, बी नहीं है वो, सॉरी सॉरी सी से ए है, सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा हूं मैं, तो सर यहां पे वाई आ जाएगा, यहां पे भी वाई आ जाएगा, अच्छा बेटा ठीक है, सी से ए क्या लिखा तुमने, पॉजिटिव लिखा, नीचे जा रहा है तो उसको पॉजिटिव माना डिस्प्लेसमेंट, तो जो ऊपर लोगे क्या लोगे, माइनस लोगे, तो यू वाई जो है, यू वाई जाहिर सी बात है यू वाई कितना है, तो बोलोगे सर वो तो है ही नहीं, इनिशियली कहां रहता है, वो तो धीरे धीरे बढ़ता है ना, यहां पे बढ़ जाएगा, तो गया प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, प्राकृतिक एक्सेलरेशन गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ रहा है, तो नीचे को मैंने क्या माना था, प्लस माना था, तो प्लस जी लिखोगे और ये टी स्क्वायर। तो ये बहुत बढ़िया बात हुई है कि भाई ये जो सॉफ्ट ड्रिंक का कैन है ये भी कितने से गिरेगा, तो बच्चों ये भी हाफ जी टी स्क्वायर से गिरेगा। देखिए यहां पे सॉफ्ट ड्रिंक कैन जो है,
सॉफ्ट ड्रिंक कैन ड्रॉप्स बाय हाफ जी टी स्क्वायर. देयरफॉर दैट्स द मेन रीजन. ऐसा आप लिख रहे हैं, दैट्स द मेन रीजन. देयरफॉर द बुलेट ऑलवेज हिट्स, किसको हिट करेगा? कैन. बस ये थी कहानी, समझ में आया? नोट करो. देखिए, एक मशीन गन को रखा गया है छत पर, ठीक है, एक बिल्डिंग का टेरेस में, ऐसा मान लो आप. हमसे ये कहा जा रहा है कि एट व्हाट एंगल शुड द गन बी इंक्लाइंड, कितने एंगल पे रखें, कितने एंगल पे बुलेट को प्रोजेक्ट करें, ऐसा समझो, टू कवर अ मैक्सिमम रेंज ऑफ फायरिंग ऑन द ग्राउंड बिलो. थोड़ा सा विचित्र क्वेश्चन है. अब अगर देखो यहाँ पे, एक चलो पहले तो एक बिल्डिंग और गन को मैं जमा लेता हूँ. कुछ एंगल थीटा पे रखना है उसको, वो एंगल थीटा क्या है उसको कैलकुलेट करना है. अगर यहां से मैं फायर करता हूं तो ये ऐसा जाके फिर ऐसा नीचे जाएगा. हमको ये बताना है कि कौन सा थीटा का वैल्यू हम रखें कि यहां पर जो रेंज रहेगा कहां पे, ग्राउंड में मैक्सिमम हो. इस वाले रेंज की बात नहीं कर रहा है वो, ग्राउंड पे जो रेंज रहेगा वो मैक्सिमम करना है हमको. एक क्वेश्चन तो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का, लेकिन ये है मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल. मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं कैलकुलस में, टेंशन मत लो. ट्रिक क्या है, ट्रिक तो नहीं कहना चाहिए, ये इसका पीछे क्या लॉजिक लगेगा, कैसे सवाल बनाएंगे हम इसको, ये मैं आपको बताता हूँ. चलिए देखें, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है. बिल्डिंग की जो हाइट है वो 100 मीटर की है, और थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ. ओके, दैट्स एनफ. आप लोगों को पता है, बड़े अच्छे से पता है, इसको लाल रंग से लिखें तो बेहतर होगा. अगर ये वेलोसिटी यू है, और यू का वैल्यू बच्चों हमको दे रखा है, कितना यू दे रखा है, 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक, लिख लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट अप करने में काम आएगा. जी का वैल्यू, भाई क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको 10 लेना है, तो आप चेंज ना करें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, देखें सबसे पहला काम यहां पे मैं लिखता हूं, अगर रेंज होता, सिर्फ इसकी मैं बात करूं, यहां से ले करके यहां तक, तो रेंज हम कैसे लिखते हैं, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी लिखते हैं. तो लिख देते हैं यार, इस वैल्यू का आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है. इसको क्या लिखोगे, सोच पा रहे हो? यहां पे अगर एंगल थीटा है, और अगर कोई मुझसे पूछे कि यहां पे अगर वो एंड करेगा तो यहां पर एंगल कितना होगा, अगर बना के दिखाओ, मैं आपको बना के दिखाता हूं. यहां पे एंगल जो फिनिश करेगा ना, ये लगभग यहां पर जो एंगल होगा ये भी रहेगा बच्चों थीटा. अब देखें आप ये दो लाइंस को देखें, एक इस वाली लाइन को देखें और एक ये वाली लाइन को देखें, दोनों को, दोनों लाइंस पैरेलल है, और ये बन गया ट्रांसवर्सल. अगर यहां पे एंगल थीटा है तो इधर भी एंगल थीटा है. चलो विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों के बीच में यहां पे एंगल थीटा है, तो यहां पर क्या होगा थीटा. अब अगर यहां पे थीटा है तो यहां पर क्या होगा थीटा, समझ गए मेरे ख्याल में तुम लोग. दूसरी बात भाई, ये भी तो 100 मीटर है, हम लोग चाहें तो ये लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़ी सी त्रिकोणमिति लगा करके. देखें कैसे करना है, आप चाहो तो बोल सकते हो, इसको डायग्राम के अंदर ही कर देते हैं यार. टैन थीटा, सर टैन थीटा बराबर लगाते हैं परपेंडिकुलर, मतलब हो जाएगा 100 अपॉन बेस. ये बेस को आप मान लो अभी के लिए x, ठीक है. तो मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू 100 अपॉन टैन थीटा. आप चाहो इसको लिख लो, ये हो जाएगा 100 कॉट थीटा. बहुत सुंदर, इसको हम लिख सकते हैं 100 कॉट थीटा, ठीक है. कितना आया, 100 कॉट थीटा आया. अब इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं. एक काम करते हैं, काहे हटा दिया यार, चलो हटा दिया तो हटा दिया. एक काम करते हैं, इस पूरे को ना क्या कहते हैं, रेंज एंड ऑन दी ग्राउंड है ना ये, तो ये आर मान लो आप, इसी को तो मैक्सिमम मैक्सिमाइज करना है. तो सबसे पहले तो आर का एक्सप्रेशन लिखना जरूरी है बच्चों, है ना. यहां से कहानी चालू करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन होने वाला है. आर बराबर अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी प्लस 100 कॉट थीटा. आप देखें एक फंडा आप सीखोगे आगे जाके, फॉर आर टू बी मैक्सिमम या फिर कोई भी फंक्शन टू बी मैक्सिमम, किसी भी फंक्शन का आपको मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढना है तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएट करना है पड़ेगा वेरिएबल से. तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको तो एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल को वेरी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो डी बाय डी थीटा
ऑफ आर या डी आर बाय डी थीटा जो होगा वो कितने के बराबर होगा, जीरो। ये कंडीशन होती है मैक्सिमा की, राइट। बस आपको यहां पर लगाना है। अब आपको डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए। देखिए यहां पे अभी आप फिर से फंसोगे, मैं आपको बता रहा हूं कैसे करोगे। ये डी आर बाय डी थीटा तो मैं यहां पे लिखता हूं, सबसे पहले वाले टर्म में जो कॉन्स्टेंट है वो है यू स्क्वायर बाय, अच्छे से लिखते हैं इसको, यू स्क्वायर अपॉन जी। अब जो टर्म आपको डिफरेंशिएट करना है वो कौन सा है, देखिए फर्स्ट वाले टर्म में सिर्फ आप साइन टू थीटा को डिफरेंशिएट करोगे, यू स्क्वायर बाय जी तो बाहर ले लिए। सेकेंड वाले टर्म में सिर्फ कॉट थीटा को डिफरेंशिएट करोगे। अब इनको डिफरेंशिएट करने पर क्या रिजल्ट आते हैं, मैं पहले ही काले रंग से लिख देता हूं। साइन टू थीटा को जब आप डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, तो हो तो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा को, मतलब कॉस टू थीटा हो जाएगा। उसके बाद टू थीटा का भी जो डिफरेंशिएशन करोगे तो वो टू लग जाएगा। कॉट थीटा का बच्चों होता है माइनस कोजेक स्क्वायर थीटा, बहुत सिंपल है, ठीक है। इतना कर लिए, वो वापस ले से लाल रंग में आ जाओ। तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा ये है टू कॉस टू थीटा, ठीक है जी, और प्लस आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, और कॉट थीटा का आ गया माइनस कोजेक स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे सर अब क्या करें, अब तो फंस गए। बिल्कुल नहीं फंसे यार, चिंता मत करो, इसको इक्वल टू जीरो करना है ना, यहीं से इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी लंबी है कहानी पर मजा आएगा, जरा देखो, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कम, अब बनाऊंगा ज्यादा। ओके, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा के बारे में यहां पर कुछ लिखता हूं मैं, देखें आप कॉस टू थीटा कौन से रंग से लिखें, चलो नीला रंग यूज करते हैं। तो बच्चों कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, पता नहीं आप लोगों ने अभी तक 11वीं कक्षा में इन सबको देखा है कि नहीं, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप यहां पर रख दो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा मन हो रहा है ए कॉस 2 थीटा को मैं चेंज कर दूं, ठीक है। अब आप देखें यहां पे फिर से लाल रंग निकाल लेते हैं, बाहर में क्या आ जाएगा 2 यू स्क्वायर अपॉन जी। अब इसको मैं लिख देता हूं, सिर्फ कॉस 2 थीटा की बात कर रहा हूं मैं, कॉस 2 थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से, तो मैंने रिप्लेस कर लिया। ये माइनस का साइन लगा देते हैं यार, ये हो गया 100। अब ये कोजेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। लवली, बहुत बढ़िया जा रहे हैं हम। अब आपको फिर से एक और कैलकुलेशन की बात करते हैं, चलो फिर से मैं हाईलाइट करता हूं यार, ये 2 यू स्क्वायर बाय जी असल में कितना आएगा कैलकुलेशन से, ठीक है, दिखाएं, चलो दिखाते हैं, रंग बदलते हैं यार, यहां पर हरे से करते हैं। 2 यू स्क्वायर बाय जी है सर, तो 2 इंटू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर बोले तो 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर बाय जी, जी कितना लेना है सर, यहां पे तो 10 लेना है हमें। मैं तो कैलकुलेटर में कर लेता हूं, तुम लोग करते रहना मेहनत। 2 इंटू 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, ये आंसर आ जाएगा बेटा 4500, ठीक है। तो चलो वापस से कैलकुलेशन में चलते हैं, देखो जो कॉन्सेप्ट लगाना था वो हमने लगा दिया, ठीक, ये आ गया 4500 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 100। एक काम करता हूं ना, इतना लिखने के बजाय आप सीधा एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, तो चलो कर ही देते हैं, अभी फिलहाल लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। अब आप अगर एलसीएम लोगे बच्चों तो ये क्या आएगा, देखो पहले तो यहाँ पे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा, मेरे पास स्पेस की कमी होने वाली है अभी, ठीक है, 4500 साइन स्क्वायर थीटा, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट को समझे, ये 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9000। साइन स्क्वायर थीटा टकरा के हो जाएंगे साइन पावर 4, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा 9000 साइन पावर 4 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 100, कोई टेंशन नहीं, और ये बराबर आ जाएगा 0। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इम्प्लाइज दैट, ये सारा इम्प्लाइज दैट चल रहा है
4500 साइन, ऐसा नहीं लिखते यार, साइन पावर 4 है ना उसको पहले लिखते हैं हम, ठीक है जी, 9000 साइन पावर 4 थीटा माइनस 4500 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया 90 साइन पावर 4 थीटा माइनस 45 साइन स्क्वायर थीटा और बचा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस आप ऐसा मान लो कि सर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो है वो एक्स है मान लो, तो साइन पावर 4 थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स। आप कह सकते हो 90 एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमने सॉल्व करना है, तो बड़ा आसान है, ठीक है। एक्स मतलब साइन स्क्वायर, तो जैसे लिखते हैं ना एक्स के रूट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, जानते हो तुम लोग। तो यहाँ पे एक्स की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस 45 करोगे तो बच्चों वो तो हो जाएगा प्लस 45, तो यहाँ पे 45 लिख दो प्लस माइनस। अब लगाना है आपको अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर लगाओगे तो बी बराबर तो माइनस 45 है, तो माइनस 45 लिख दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये लगा 4, ए का वैल्यू है 90, सी का वैल्यू है 1, और ये पूरा हिसाब किताब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। मान लो आप इस पॉजिटिव वैल्यू के लिए सॉल्व करते हो, ठीक है, ये देखें हाईलाइट कर देता हूं, मैं लिख देता हूं आप पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, सॉल्व फॉर पॉजिटिव। इसकी वैल्यू जो बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे ये निकल करके आएगा, चलो बताते हैं, 45 का स्क्वायर है, रूट के अंदर का देखो 2025 माइनस 4 इंटू 90 ये आ रहा है 1665, अंडर रूट ऑफ 1665 इतना आ गया। अब प्लस 45 कर देना है और डिवाइडेड बाय 90 कर, 90 इंटू 2 है ना, तो मतलब हो जाएगा 180। ये आंसर तकरीबन आ रहा है हमारा 0.4767 लिख देते हैं 0.4767। तो बच्चों ये आ रही है वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की, आपने साइन थीटा कैलकुलेट करना है, इसका भी अंडर रूट ले लो, ये वैल्यू आ रही है 0.6904 बस हो गया। अब ये कितना डिग्री है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स कर देते हैं, साइन इनवर्स आंसर ये आ जाता है लगभग 43 डिग्री, 43 डिग्रीज का एंगल आ रहा है, 43.66 डिग्रीज, दैट इज आर आंसर। कहने का मतलब अगर आप गन को 43.6 डिग्रीज के एंगल पे रखेंगे तो सबसे ज्यादा ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर कर पाएगा, ये इस चीज का मतलब है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 7 की, जरा पढ़ते हैं इसको। एट व्हाट एंगल शुड अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ये फिक्स हो गई, इसको चेंज नहीं कर सकते। टू पास ओवर द ऑब्स्टेकल 16 मीटर हाई एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर। तो अपने दिमाग के अंदर एक चित्र बनाने का प्रयास करें, एक ऑब्स्टेकल रखा हुआ है ओरिजिन से मान लो 16 मीटर ऊंचा और 32 मीटर की दूरी पर। कहानी कुछ ऐसी है, ये आपके सामने मैं फोटो बनाकर दिखाता हूं। यहां से आप किसी बॉडी को मान लो किसी बॉल को प्रोजेक्ट करोगे थीटा एंगल पर और यही एंगल हमें कैलकुलेट करना है। यहां पर एक ऑब्स्टेकल है ये 32, ठीक है, और हाइट जो है वो है 16। अब आपको यहां पर जिस एंगल थीटा से आप उसको फेंकने वाले हो वो कुछ इस प्रकार से जाएगा और इसको बिल्कुल टच करते हुए यहां पे फाइनली नीचे आके गिरेगा। हमको बताना है कि ये एंगल थीटा कितना होगा। एक बार फिर से बात करते हैं, हमारे सामने है एक ऑब्स्टिकल और यहां पर हम एक पत्थर को उछालने वाले हैं कुछ थीटा एंगल पर, जिससे कि क्या होगा कि वो बिल्कुल ऑब्स्टिकल को छू के निकलेगा। तो आपको बताना है ये एंगल थीटा कितना होगा। अब आप इसको कैसे वर्कआउट करेंगे, एक बात मैं पहले से बता देता हूं, ठीक है, कि यहां पर थीटा की दो वैल्यूज वर्कआउट होंगी। तो अब आप सोच रहे होगी सर दो वैल्यू कैसे आ सकता है थीटा का। इसको समझने के लिए मैंने बनाया एक छोटा सा सिमुलेशन, थोड़ा सा कोड मेरे को लिखना पड़ा। मैं बताता हूं कि यहां पे असल में अगर मैं थीटा को चेंज करता हूं तो वह इस ऑब्स्टेकल से पास होता है कि नहीं। चलो इसको बड़े प्यार से समझते हैं, देखिए। तो बच्चों आप देख सकते हो यहां पे हमारे पास
यहाँ पे इस पॉइंट है, ठीक है। देखिए कुछ कुछ वैल्यूज जो है वो फिक्स हैं, जी का वैल्यू 10 रहेगा, क्वेश्चन में दे रखा है। आपकी इनिशियल वेलोसिटी वो चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स्ड है 24 पे। अब मैं देखता हूँ कि जैसे ही मैं थीटा को चेंज करता हूँ, जाहिर सी बात है अगर आप जीरो रखेंगे थीटा को, ये देखें यहाँ पे जीरो रखेंगे तो बिल्कुल ऐसा चले जाएगा, ठीक है, जमीन के अंदर जाएगा नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। अब जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे उसका मैक्सिमम हाइट, उसका रेंज भी बढ़ेगा। कब तक? सिर्फ 45 डिग्री तक, याद है ना कि मैक्सिमम रेंज जो रहता है वो 45 डिग्री के एंगल पर रहता है। अब देखें जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं वो आपको यहाँ पर चेंज दिखेगा, ये एंगल बढ़ा रहे हैं हम लोग, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, देखिए धीरे धीरे बढ़ते 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 यहाँ पर, अब बॉल यहाँ पर टच हुआ, अब यहाँ पर टच हुआ, लगभग 55 और 60 के बीच में, 57.5 मान लो। देखो जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे पॉइंट के पास आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 48 डिग्री पर लगभग वो इसको टच कर रहा है, आप कह सकते हो या 48 और 49 के बीच में कोई एंगल आंसर आएगा हमारा। तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया, थीटा का वैल्यू कितना होगा, 48 या 49। एग्जैक्ट वैल्यू गणित के जरिए मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। जी सर, इतना तो समझ गए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 48 या 49 डिग्री पर ही हमारे को ये टच होके मिलता है, एक और एंगल आता है। अब मैं इसको, ये एंगल को और बढ़ाता हूँ, तो देखें एंगल और बढ़ाए जा रहे हैं हम, देखें अब रेंज कम हो रहा है, होते 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 एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, ये देखिए ये इससे बिल्कुल पास हो गया, ये आंसर एक और आएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे थीटा की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, ठीक, एक वैल्यू लगभग 48 के आसपास आएगा और दूसरा वैल्यू आएगा 68 के आसपास। एग्जैक्ट वैल्यूज अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें सहारा लेना पड़ेगा मैथमेटिक्स का, तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चों देखिए ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसका इक्वेशन होता है। क्या होता है सर इक्वेशन? तो मैं लिख के बताता हूँ, इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है इक्वेशन। अब आपको तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप कह सकते हो सर ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये जो है वो है वाई कोऑर्डिनेट, बिल्कुल ये हो गया सर वेलोसिटी, और इसके अलावा बस हो गया, इतने में काम हो जाएगा। आप चाहो तो जी का वैल्यू भी आप सीधा पुट कर देना, कितना 10, ठीक है। चलिए इन वैल्यूज को पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है सर 16, तो 16 इज इक्वल टू x tan थीटा मतलब 32 tan थीटा माइनस g का वैल्यू 10 रखो, x स्क्वायर, x कितना है सर 32 है, तो 32 रखो और उसका स्क्वायर, ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 2 u स्क्वायर, तो u कितना है सर 24 है, 24 स्क्वायर, और सर cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, मैं फिर से इसको लिखता हूँ, 16 इज इक्वल टू 32 टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस, जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 इंटू 32 स्क्वायर, 10 इंटू 32 स्क्वायर, ठीक है जी, 10 240 बटे 2 इंटू 24 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 80/9। तो बच्चों इसको अगर सॉल्व करोगे ना आप, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो नंबर्स हैं इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हिसाब किताब आ रहा है 80/9 के बराबर, लिख देते हैं 80/9, और ये आप कह सकते हो 1/cos² थीटा है, तो सर इसको लिख देते हैं sec² थीटा। अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, इस इक्वेशन को आपको थीटा के लिए सॉल्व करना है, और यहां से दो आंसर्स आएंगे हमारे, एक लगभग 48 के आसपास है और दूसरा 68 के आसपास, कैलकुलेट करके बताते हैं आपको कितना आएगा, ठीक है। ओके, तो आप एक काम करो, इक्वेशन को दोनों तरफ आप 16 से डिवाइड कर दो, किससे सर 16 से, तो यहां तो हो गया 1, यहां हो गया 2 tan थीटा, यहां हो गया 16 5 इज 80, तो 5/9, आप sec square थीटा को लिख सकते हो सर 1 plus tan square थीटा, फिर से LHS में तो है सर 1, इस तरफ आ गया 2 tan थीटा। अच्छा एक और चीज करते हैं, क्यों इतनी मेहनत करें हम, 1 आप सीधा LCM ले लो, 9 ले लो, तो 9 इस तरफ आ गया, 9 2 कितना हो गया, ये हो गया सर 18 माइनस 5 माइनस 5 tan square थीटा, ठीक है, क्वाड्रेटिक बनते हुए दिखाई दे रहा है आपको, ये माइनस 5 tan square थीटा है ना, मेरा मन कर रहा है इसको मैं LHS में ले जाऊं, LHS में अगर इसको मैं ले जाता हूं तो मैं लिख सकता हूं 5 tan square थीटा, ये 18 tan थीटा को भी LHS में ले जाओ तो माइनस 18 tan थीटा, ये माइनस 5 को ले जाओगे तो प्लस 5, 9 और 5 हो गए 14, तो प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, इतना हमने कर लिया। 18 tan थीटा कहां से आया, एक मिनट, 9 2 इज 18। चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये मान लो 5x² - 18x + 14 वाला केस है, क्या करोगे आप,
आप सीधा लिखो बच्चों टैन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी का वैल्यू तो माइनस 18 है, उसका भी माइनस करोगे तो सर हो जाएगा प्लस 18। अब लगा लो आप प्लस माइनस, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर लगाओ आप बी स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो सर ये हो जाएगा माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया 4, ए का वैल्यू हो गया 5 और सी का वैल्यू हो गया 14 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बस दैट्स इट। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख देता हूं मैं, ये हो गया प्लस 18, यार बार बार प्लस लिखने की जरूरत ना है, आप सीधा लिखो 18। और प्लस माइनस मैं बताता हूं आपको अंडर रूट के अंदर या फिर अंडर रूट वाला जो हिसाब किताब है ये कितना आएगा, 18 का स्क्वायर है ठीक है, माइनस 4 इंटू 5 इंटू 14 है, ये हो गया इतना, और इसको आपको कितना आ रहा है ये, अच्छा अंडर रूट करना है तो ये आंसर आ रहा है 2√11, मतलब 6.63 के आसपास, 18 प्लस माइनस 6.63 डिवाइडेड बाय 5, 2 इज 10। तो बच्चों आप देखें यहाँ पे बनाते हैं इसको, ठीक, टैन थीटा की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, टैन थीटा का अगर आप पॉजिटिव लेके चलोगे तो एक वैल्यू आएगा 2.43, लिख देता हूँ मैं 2.463 आ रहा है, सॉरी 463, और ये कब लेते हैं जब पॉजिटिव लेके चलते हैं, टैन थीटा का एक और वैल्यू आता है बताते हैं आपको, ये है 1.137, ठीक है, मैंने पहले ही अपने व्हाइट बोर्ड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ये भी ये कब आता है जब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो अभी। अब आप इन दोनों के लिए थीटा कैलकुलेट कर लो, तो थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, टैन इनवर्स करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा बराबर, दो आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, एक 67.9 आ रही है, 67.9, और दूसरी वैल्यू आ रही है 48.6 डिग्रीज। तो ये था तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए अब बनाते हैं आखिरी सवाल, आज के सेशन का आखिरी सवाल, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इट इज प्रोजेक्टेड ओवर अ ट्रायंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेस एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स, वर्टेक्स को ना बिल्कुल टच करके जा रहा है टू ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस। अभी समझ में आएगा, ट्रायंगल भी बनाएंगे और वो प्रोजेक्टाइल को भी आपको दिखाएंगे, उसकी ट्रेजेक्टरी को भी। ट्रायंगल के दो एंड्स पे आमने सामने अल्फा और बीटा के एंगल्स बन रहे हैं, और आपने जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वो थीटा एंगल बना रहा है, ओके, उसका वेलोसिटी वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है। आपको ये सिद्ध करके बताना है कि टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा प्लस टैन बीटा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लगभग उसका और मोशन इन 2D का एक बहुत बढ़िया मिश्रण है। आपको मैं केस दिखाता हूँ, केस कुछ ऐसा है बच्चों, आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका, ठीक है, जनरली हम मान लेते हैं कि सर यहाँ पे वेलोसिटी होती है यू, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, वो कुछ ऐसा होगा, अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका एक कॉर्नर यहाँ पर है, दूसरा कॉर्नर यहाँ पर है, और तीसरा कॉर्नर कहीं यहाँ पे है, ठीक है, तो आप जब बॉडी को फेंकते हैं, जब इस गेंद को फेंकते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले कॉर्नर से वो ग्रेज होके टच करके फिर नीचे आता है, तो एक कॉर्नर से निकलता है, इसको टच करता है और दूसरे कॉर्नर में जाता है, इधर एंगल अल्फा है, इधर बीटा है, आपने जिस वेलोसिटी के साथ फेंका उसका डायरेक्शन है यहाँ पे थीटा, या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ वह थीटा एंगल बनाता है। कैसे सॉल्व कर सकते, तो हमें तो ये प्रूव करना है टैन अल्फा प्लस टैन बीटा कितना होगा, ये सिद्ध करके बताना है। तो एक काम करते हैं, हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया एक्स वाई, और ये तो रेंज हो गया उसका। अगर ये ओरिजिन है बच्चों, तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स हो गया लंबाई में। अब अगर ये एक्स है तो ये बात तो जाहिर है कि रिमेनिंग आर माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहां पर आप देखें, दोनों ट्रायंगल्स पे आपको फोकस करना है, तो सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, आप इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दें, इसको बच्चों हम कह लेते हैं ओ, ये पी, इसको कह लेते हैं क्यू, और इसको कह लेते हैं चलो यार आर। आप देखो ट्रायंगल ओ पी आर, ठीक है, समझो जरा इसको, ट्रायंगल ओ पी आर की बात करते हैं, ओके, ट्रायंगल ओ पी आर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टैन अल्फा। टैन अल्फा कितना आएगा, तो सामने वाला कितना है, तो आप बोलोगे सर ये तो वाई है, हम जानते हैं ये कितना है, वाई है, बिंदास वाई लिखने का, नीचे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो गया सर वाई बाय एक्स। अब एक और ट्रायंगल पे आप ध्यान केंद्रित करो, ये वाला ट्रायंगल पी आर क्यू, क्या पी आर क्यू, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टैन बीटा, ये कितना आ जाएगा, वाई अपॉन आर माइनस एक्स, वाई अपॉन आर माइनस एक्स,
टैन अल्फा टैन बीटा हो गया, तो हमसे पूछा जा रहा था कि भाई ये टैन अल्फा प्लस टैन बीटा कितना है। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो भी कर सकते हैं हम। टैन अल्फा प्लस टैन बीटा दोनों को लिख दो आप, क्या लिखोगे? ये है सर वाई बाई एक्स और ये है सर वाई बाई आर माइनस एक्स। अब आप क्या करो बच्चों, सबसे बढ़िया तरीका आप ले लो ये एलसीएम वाला हिसाब, क्रॉस कर दो आप, एक्स हो गया आर माइनस एक्स हो गया, ये हो गया वाई, ये हो गया आर माइनस एक्स, ये हो गया प्लस, ये हो गया एक्स वाई। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है न्यूमरेटर में? अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में मैं ये वाई और ये वाई को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो कॉमन निकाल लेते हैं। y कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? आप बोलोगे सर r माइनस एक्स बचा प्लस एक्स बचा और ये ब्रैकेट क्लोज हुआ और नीचे आ गया x r माइनस एक्स। अल्टीमेटली देखो x और x तो कैंसिल हो गया, हमारे पास tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू आ गया। कितना आ गया? तो ये आ गया वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स और यहां पे मैं लिख देता हूं r अपॉन r माइनस एक्स। ये हो गया हमारे पास वैल्यू, ये हमारे पास कैलकुलेट हुआ tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है जी। tan अल्फा प्लस tan बीटा इतना आ गया। अब tan थीटा का भी वैल्यू सेम आना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि सर LHS और RHS सेम है, ऐसा होना तो चाहिए। होता है कि नहीं यार, ये देखने वाली बात है। ओके, tan थीटा कैसे लाओगे? तो ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन पे जरा ध्यान दो आप, इसके लिए रंग चेंज करते हैं अगली कहानी के लिए, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन होती है वो होती है सर y इक्वल्स x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जी सर, ये तो हमें याद है। एक काम करते हैं, हमें तो tan थीटा निकालने से मतलब है, तो एक काम करता हूं मैं ये RHS में से ना tan थीटा कॉमन निकालता हूं। इसमें तो निकाल नहीं सकता, तो मेरे को डिनोमिनेटर में उसको प्लग करना पड़ेगा। आप जरा यहां पे देखो, अगर मैं कॉमन लेता हूं x tan थीटा, ठीक है, अगर x tan थीटा मैं कॉमन लेता हूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 माइनस, यहां पे आ गया जी एक्स, सिर्फ एक x तो गया बाहर, नीचे आ जाएगा 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो ये tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये हमने ले लिया बच्चों कॉमन। अब आपको थोड़ा एक जगह ध्यान केंद्रित करना है भाई, आप जरा इसको देखो कॉस स्क्वायर थीटा और tan थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा और tan थीटा। अच्छा जरा मैं यहां पे लिखता हूं इसकी कहानी, कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा मतलब सर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो सर ये कॉस थीटा से एक गया, साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक काम करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई वाला हिसाब किताब आप देखोगे तो इसको हम कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं आपको पता है? साइन 2 थीटा। तो अल्टीमेटली ये आएगा बराबर साइन 2 थीटा बाय 2 के, ठीक है। इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, यहां तो 2 ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक। तो चलो चाहो तो 2 साइन थीटा बाय 2, चलो ऐसा बता देता हूं मैं आपको। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा टैन थीटा है ना, अच्छा चलो ये करते हैं, यहां पर एक और स्टेप लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स टैन थीटा, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें। ये हो गया 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2 यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास आंसर कितना आया, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो सर इसका वैल्यू आया था साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। बहुत बढ़िया, ये 2 और 2 तो बच्चों कैंसिल हो गया। अब नीचे क्या बचा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और ऊपर जी बचा है। तो यार कुछ एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, तुम लोग को याद आना चाहिए। देखो मुझे तो याद आ गया फॉर्मूला, देखो ध्यान से देखो, r का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर इसको रेसिप्रोकल कर दूं मैं, 1 बाय r कर दूं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा g बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला लगते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देना चाहिए। मैं दिखाऊं, जरा हाईलाइट करते हैं यार, फिर आपको दिखाई देगा। g दिख गया, यू स्क्वायर दिख गया, साइन 2 थीटा दिख गया, तो जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? सर हम 1 बाय आर लिख सकते हैं, इस पूरे को आप रिप्लेस कर सकते हो 1 बाय आर से। तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, खेल खत्म। वाई बराबर हम लिख सकते हैं, वाई बराबर हो जाएगा सर एक्स टैन थीटा माइनस, माइनस नहीं मेरे भाई, इसको हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, 1 माइनस एक्स बाय आर। बस फाइनल टचेस दे देते हैं, वी आर ऑलमोस्ट थ्रू।
ठीक है, हमें क्या चाहिए, टैन थीटा का वैल्यू चाहिए, टैन थीटा का वैल्यू इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, तभी भाई वो सेम होगा। ओके, अभी हम किसको वर्क कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अभी इस टैन थीटा की बात कर रहे हैं। ओके, देखें बच्चों, देखें आप टैन थीटा का वैल्यू लिखो, आप सीधा क्या लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कि यार ये वाई है, ठीक है, एक्स इस तरफ आ जाएगा तो ये हो गया सर वाई बाई एक्स, तो इतना तो मेरे को दिख गया, वाई बाई एक्स तो मेरे को दिख गया, बाकी जो बचा हुआ है इनटू मैं लिख सकता हूँ वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स अपॉन आर, जी सर ऐसा लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहीं पे पहुंचोगे आप, देख लो एक बार, वाई बाई एक्स हो गया और ये पूरा का पूरा भी डिनोमिनेटर में आ गया। और सिंप्लीफाई अगर करोगे आप, इसको क्या लिख सकते हो, इसको वाई बाई एक्स रहने दो आप, ठीक है, डिनोमिनेटर की सीधे मैं बात करता हूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आर माइनस एक्स, और जो एलसीएम होता इसको एक बार में सीधा आप कहां लिख दो, ऊपर भेज दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे क्या आ जाएगा आर अपॉन आर माइनस एक्स हो तो गया, दिख गया आपको, आपने कैलकुलेट कर लिया टेन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, वाई अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ आर अपॉन आर माइनस एक्स, तो ये हो गया बच्चों प्रूफ, ये इक्वेशन वन था, ये इक्वेशन टू था, कंपेयरिंग वन एंड टू या फ्रॉम वन एंड टू ऐसा लिखो वो ज़्यादा सही रहेगा, आप बोल सकते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, इतना ही था, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बहुत मजा आने वाला है, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।